कैप्टन कैप्टन कैप्टन, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैप कहीं देखी हुई लग रही है, बहुत टाइम बाद इस कैप को देखा गया है। हालांकि अंदाजा आप लोगों का बिल्कुल ठीक है, ये कैप आपने पहले भी देखी हुई है। ये कैप है हमारे कैप्टन जे दारूरो की, लेकिन वो बहुत टाइम से लापता है। उनकी कैप मेरे को मिल गई थी, लेकिन क्या रीजन है, क्या कारण है कि इस कैप को आज वापस से इंट्रोड्यूस किया गया है व्हील्स ऑफ विस्की के हमारे इस चैनल पे। उसके पीछे एक रीजन है दोस्तों, बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज जिस अल्कोहल बेवरेज का आज हम रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो भी कैप्टन ही है। तो उनके स्वागत के लिए मैंने आज इस कैप को पहना है, ताकि आप लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सके, रिजेंबल कर सके कि हम रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग किसकी करने वाले हैं। तो रम सीरीज में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, और जिस रम का आज हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है माकीचू। सॉरी कैप्टन जे दारूरो के कैरेक्टर में मैं घुस गया था। रम का आज हम रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है कैप्टन मॉर्गन ओरिजिनल रम। बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये रम इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले जमाइका के अंदर, मतलब जमाइका ही ओरिजिन है इस रम का, और जो कंपनी इसको करंटली ओन कर रही है उसका नाम है डीएजीओ। नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस कंपनी है। लेकिन फर्स्ट टाइम ये जो रम है ये यूएसए के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी 1984 के अंदर। लेकिन अब आप बोलेंगे कहाँ से प्रेरणा मिली इस रम के नाम के ऊपर, क्यों कैप्टन नाम रखा गया है? तो इस रम का जो नाम है वो हेनरी मॉर्गन के नाम के ऊपर रखा गया है। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं फिर कभी आप लोगों को बताऊंगा। ये जो रम है ये 3 वेरिएंट के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एक तो जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, दूसरी है डार्क रम और तीसरी है वाइट रम। तो 3 तरीके की रम जो है कैप्टन मॉर्गन वो हमारे खेमे के अंदर अवेलेबल है। एक का तो हमने आज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 2 बची हुई है उनका भी नंबर जल्द ही आएगा। चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कैप्टन मॉर्गन रम की। पुराने जमाने की बॉटल है, जैसा कि पायरेट्स हैं या दूसरे लोग जो ट्रैवल करते थे शिप पे पुराने जमाने के अंदर, ये बॉटल शेप ही ज़्यादा यूज में आती थी, राउंड शेप के अंदर जो बॉटल है। और जो बॉटल है अगर आप देखेंगे तो क्रीम कलर का जो इसका लोगो है वो बना हुआ है, और सबसे ऊपर आपको जो कैप्टन है कैप्टन की फोटो दिख जाएगी, हाथ में स्वॉर्ड लिए, तलवार लिए हुए, बैरल के ऊपर पैर रखे हुए, आपको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि बात यहां पे किसी ना किसी रम की ही हो रही है। बैक साइड में इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रखा है, अल्कोहल बाय वॉल्यूम के बारे में बता रखा है, और प्राइसिंग के बारे में बता रखा है इस बॉटल की। कैप्टन मॉर्गन जो रम का ब्रांड है वो कैप के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो चलिए इस बॉटल को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका जो बॉटल है उसको हमें घुमाना है, टियर करना है, और ये जो बॉटल है ये ओपन हो जाएगी। कॉर्क इसके अंदर नहीं आता है। तो ये थी कैप्टन मॉर्गन रम की अनबॉक्सिंग। हाँ, टाइम आ गया है दोस्तों इस रम को रिव्यू करने का। तो चलिए जल्दी से इसको हम हमारे ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं। ठीक है, तो नोजिंग करने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले कलर की। कलर इस रम का डार्क ब्राउन रंग है, जैसा आपको दिख रहा है कलर, अच्छा कलर है रम का। ठीक है, तो नोजिंग चेक कर लेते हैं कि नोजिंग क्या बोल रही है इस रम की। स्पाइसेस एंड मोलेशेस, देखिए दोस्तों सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेरे को जो नोट्स मिले हैं इस रम के अंदर वो इन दोनों के ही मिले हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को ही आपस में कंपेयर करूं तो स्पाइसेस के कंपेयर के अंदर जो मोलेसेस है उसके नोट्स थोड़े कम हैं, ज़्यादा स्पाइसेस के हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि यार मोलेसेस के ज़्यादा होने चाहिए थे नोट्स, बिकॉज जो बेस इन्ग्रीडियंट है वो मोलेसेस ही है। लेकिन यहाँ पर तो जो स्पाइसेस है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। थोड़ा और चेक करता हूँ मैं स्पाइसेस के अंदर भी दोस्तों, जो पेपर है पेपर के नोट्स मेरे को ज़्यादा मिल रहे हैं। इसके अलावा और कुछ मेरे को नहीं मिला है इस रम के अंदर। लेकिन हो सकता है यार जो टेस्ट नोट्स हम चेक करेंगे उसके अंदर मुझे इस रम में कुछ अलग चीज़ मिल जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे टेस्ट नोट्स के ऊपर। बर्न्ड कैरमल एंड हनी,
ये दो नोट सबसे पहले मेरे को फील हुए हैं इस रम के अंदर से। वार्म है जैसा कि हमारी दूसरी रम भी होती है, लेकिन एज सच कोई भी डिस्टिंक्ट टेस्ट अलग से नहीं मेरे को फील हुआ है इस रम के अंदर से, जैसा कि किसी दूसरी रम के अंदर भी होता है कि यार मैं इस रम को पीते रिकग्नाइज कर लूँ कि हाँ यार कैप्टन मॉर्गन रम ही पी रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ अलग चीज़ें ज़रूर मेरे को इस रम के अंदर से मिली है, और वो अलग चीज़ें हैं फ्रूटीनेस और उसके अलावा जो ओकी फ्लेवर है, ये दो चीज़ मेरे को थोड़ी अलग मिली है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो मेरे को इस रम के अंदर मिली वो है एक अलग सा फ्लेवर इस रम के अंदर से आ रहा है, वो है सौफ का। वो आपको 30 सेकंड 35 सेकंड के बाद आप जब इसको रिवॉल्व करेंगे आपके टंग के ऊपर तो आपको फील होएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा कि यार आप इस टेस्ट को किससे रिकग्नाइज कर रहे हैं, किससे रिजेंबल कर रहे हैं। तो ये सब कुछ था इस रम के बारे में। हालांकि इस रम को आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कम भी मत रखना। ये रम बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर ये रम बनी कैसे है, क्या क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं इस बेहतरीन रम को बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ स्पेशल सीक्रेट स्पाइसेस के मिक्सचर से ये रम बनी है। उसके बाद इसको चैरेड वाइट ओक बैरल्स के अंदर एज किया गया है, और उसके बाद ये जो रम है, ये बेहतरीन रम है, तैयार होती है और आती है आप लोगों के ग्लासेस के अंदर। लेकिन एक सवाल आपके मन में और उठ रहा होगा कि इस रम को पिए कैसे। तो यार इस रम को तो बेस्ट सर्व किया जाता है कोला के साथ, यही बेस्ट कॉम्बिनेशन माना गया है जो विस्की एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा, कि आप इसको कोला के साथ पी सकते हैं, उसके अंदर ही आप इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। बात करते हैं प्राइस की। प्राइस इस रम की है राजस्थान में 600 रुपीज़ के अंदर ही रम की बॉटल आपको मिल जाएगी, विथ अल्कोहल क्वान्टिटी 750 ml, और अल्कोहल बाय वॉल्यूम रहेगा इस रम का 42.8%। तो दोस्तों यहां पे खत्म होता है हमारा आज का कैप्टन मॉर्गन का रिव्यू रम सीरीज के अंदर। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंटर्स खत्म होने वाली है और समर आने वाली है, सर्दियां जाएगी और गर्मी आएगी, लेकिन कुछ दिन बचे हुए सर्दियों के अंदर तो मैं सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द कुछ और रम का रिव्यू कर दिया जाए, बिकॉज हमें जल्द ही दुआ सलाम करना पड़ेगा रम को और वेलकम करना पड़ेगा बियर को, बिकॉज समर आ रहे हैं। तो गर्मियों के अंदर जो चिल चिलाती गर्मी होती है उसके अंदर तो यार बियर से बेस्ट कोई भी ड्रिंक नहीं हो सकती है। लेकिन वो बात की बात है, ये अभी की बात है। आप बताइए कि कैसा लगा आपको आज का हमारा रिव्यू कैप्टन मॉर्गन रम का, और जिन लोगों को ये पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। लेकिन एक ज़रूरी बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जो बेल आइकन है उसको दबाइए, तभी आप लोगों के पास इस चैनल के सारे नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। तो भूले मत, जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हैं या जो नए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो घंटी 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 बजा दीजिए ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहे। तो दोस्तों चलता हूँ, जाने का टाइम हो गया है, टाइम टू से गुड बाय, जल्दी आऊँगा नई अल्कोहल बेवरेज के रिव्यू के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना, चीयर्स एंड गुड बाय।